चलिए मैं आज आपके सामने एक बहुत ही नया आइटम लेके आया हूँ जो आप घर में बना के अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं इसके विषय में क्या है। एक गुपचुप कुरकुरे बनाना एकदम लज्जतदार, और नाम सुन के आपके मुंह में पानी आ गया होगा, मेरे मुंह में भी आ गया है। तो चलिए आइए हम उसका प्रोसेस देखते हैं क्या कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको चलानी आटा लेना है जो मार्केट में बहुत ही कम दाम में अवेलेबल हो जाता है। सूजी ले लेना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा मात्रा में सोडा, थोड़ा मात्रा में। इसको पहले हम लोग अच्छे से चलानी आटा और सूजी को मिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब पूरा टाइट नहीं सानना है, देखिए इस तरह से मैंने सान के कुछ रखा है, देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से है ये, ठीक है। इस तरह से पूरा दब रहा है, पुश हो रहा है ये ना, ज्यादा टाइट नहीं। इसमें आप जब सानिएगा तो बहुत थोड़ा मात्रा में इसमें सोडा दीजिएगा, बहुत ही थोड़ा मात्रा, ताकि उसको हेल्प करे फूलने में। और जब आप इसको सान लीजिएगा, देखिए इसको सानिएगा, इसको फिर आप आधा घंटा के लिए आप इसको छोड़ दीजिएगा कोई कॉटन का क्लॉथ में लपेट के। अगर कॉटन का क्लॉथ नहीं है तो फिर आप प्लास्टिक में इसको लपेट सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा उसमें तेल मिला दीजिएगा ताकि ये सूखे नहीं, थोड़ा सा तेल मिला के आप मिला दीजिएगा। आइए हम लोग फिर आधा घंटे के बाद का प्रोसेस क्या है कि हम लोग देखिए इस लोहे को हम लोग बढ़िया से, आप देखिए इस तरह से छोटा छोटा टुकड़ा में आपको बांट लेना है। देखिए इस तरह से छोटा छोटा टुकड़ा में हम लोग काट लिए हैं इसको, और हम लोग पूरा ग्रुप है यहाँ पर, मैं तो ग्रुप है और मैं नहीं दिखा रहा हूँ जो चेहरा, और देखिए हम लोग पूरा ग्रुप में बना रहे हैं। देखिए फिर हमने इनको छोटा छोटा लोहा बना के पॉलिथीन में रख रहा है ताकि ये सूखे नहीं, ठीक है। ये प्रोसेस हुआ। अब देखिए मैंने इसके लिए क्या क्या तैयार किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए छोला है, ये मटर का छोला है ना, बहुत ही शानदार है। मटर का छोला बनाना जानते हैं, ठीक है। आप इसको मटर को ले लीजिए, इसको फिर थोड़ा फुलाइए, और ये रात का प्रोसेस है। अगर हमको सवेरे बनाना है तो फिर सवेरे इसको बॉयल कर देना है और फिर इसको बनाना है बढ़िया से। अभी तो ये बना नहीं, सिर्फ बॉयल हुआ है, इसको अभी बनाना है हम लोग को, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें आलू का ये भी डालेंगे, इसमें चोखा भी बनाए हैं, देखिए देख लीजिए है ना, चोखा ही बना हुआ है, डायबिटीज वाले दूर रहे हैं। और देखिए इसके लिए मैंने फिर इमली, ओ माय गॉड, इमली का फुला के रख लिया, बहुत इंटरेस्टिंग है, देख लीजिए देखने में लग रहा है बहुत लज्जेदार है। और इसमें कुछ मसाला भी, इसके लिए मैंने मसाला भी तैयार किया है, आप देख सकते हैं। देखिए मसाला में मैंने क्या क्या दिए है, हमारी मैडम पता नहीं, पूछ लेते हैं, बताएगी क्या क्या दिए हैं मैडम आप इसमें, थोड़ा बताइए। धनिया है, जीरा है, और मिर्ची है, सूखा मिर्चा, सबको भूंज के हाँ पाउडर बनाए हैं। हाँ फिर से बोलिए, नहीं समझ में आया होगा, देखिए मिर्चा है, ये शायद मिर्चा ही है, लाल मिर्च है ये, उसको भूंज लेना है पहले, और उसको फिर मिक्सी में उसको बढ़िया से उसको पीस लेना है। इसमें क्या क्या है, जीरा, इसमें क्या क्या, जीरा और धनिया, और कुछ नहीं, धनिया जीरा उसको भून लीजिए पहले, उसके बाद उसको मिक्सी में उसको पीस लीजिए। प्याज का भी मैंने यूज कर रहा है ताकि छोला बनाने के लिए है ना, आप लोग ठेले वाला देखते होंगे तो प्याज व्याज मिला खिलाता है आपको। तो ये यहाँ तक का प्रोसेस हो गया। अब इसके बाद जो है सो हम लोग इसमें रिफाइंड तेल भी चाहिए छानने के लिए, उसके बाद का प्रोसेस जब बनेगा मैं आपको दिखाऊंगा। दिखा रहा हूँ कि गुपचुप का आगे का प्रोसेस, इसको देखिए छोटा छोटा जो लोया था उसको इस तरह से जो है सो बेल लेना है। बेलने का प्रोसेस समझिए, ये नहीं कि रोटी से बेलना है, दिखाओ रे, देखिए इस तरह से जो है सो बेलने रखना, इतना ज्यादा आपको पूरी से नहीं कर देना है, बहुत ही छोटा साइज में है। देखिए देखिए एक बार, बस दो ही बार में आपका, एक बार देखिए इस तरह से हुआ, हाँ ठीक है, चलिए और एक बार, बस हो गया, देखिए बस हो गया, यही प्रोसेस है आपका। यहाँ पर देखिए तेल गर्म हो रहा है ना, हम लोग दिखा रहे हैं कुछ कुछ, जब ये तेल गर्म हो जाएगा तो हम लोग इसको डालेंगे, तेल गर्म नहीं हुआ है, जब पूरा गर्म हो जाए तो हम लोग इसमें गुपचुप बनाएंगे। अब हम लोग इसको डाल रहे हैं, एक तो डाल दिया मैंने, चलिए देखते हैं, आपको दिखाते हैं डालते हुए है ना, देखिए आपको भी अच्छा लगेगा। ओ माय गॉड, डला गया है, अभी फूलता है कि नहीं, देखिए नहीं फूलेगा तो दिल टूट जाएगा। ओ माय गॉड, फूल गया, अब गुपचुप का मजा है, देखिए ओ माय गॉड, बहुत ही अच्छा लग रहा देखने में। ओ ओ ओ ओ ओ, ओ, ओ देखिए 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 फिर फूला, मेरा बनाना सक्सेस हो गया, इसे मतलब देखिए आप लोग भी घर बना सकते हैं इसी तरह से, देख लीजिए पूरा प्रोसेस है ना। अगर घर में बना के बच्चों को घर में ही बना के खिलाएं, दुकान का चीज ना खिलाएं, घर में बनाते हैं तो उसमें तेल वगैरह बढ़िया रहता है, मसाला बढ़िया रहता है।